Hello everyone, I hope you are safe and healthy out there. This is Dikshita Bhoi and welcome to Top 10 EXO. In this video, I'll be talking about the top 10 life lessons you can learn from indigenous people. So let's get started. आज 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल के रूप से भी जाना जाता है। इंडिजिनियस पीपल यानी कि स्वदेशी लोग, जिन्हें कुछ क्षेत्र में पहले लोग, प्रथम राष्ट्र, आदिवासी लोग या मूल निवासी के रूप से भी जाने जाते हैं। समूहों को स्वदेशी तब वर्णित किया जाता है जब वो किसी परंपरा या संस्कृति को बनाए रखते हैं और वो किसी दिए गए क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। आज दुनिया भर में लगभग 476 मिलियन स्वदेशी लोग हैं जो 90 से अधिक देशों में फैले हुए हैं। ये लोग हमेशा साथ में मिलकर रहते हैं और आज हम लाइफ के कुछ ऐसे लेसन्स उनसे सीखेंगे जो आम जिंदगी में शायद आज भी देखने को नहीं मिलते हैं। वेनेजुएला के पियारोआ लोगों के अनुसार हमें शांति तब मिल सकती है जब हम स्वामित्व, प्रतिस्पर्धा, घमंड और लालच को त्याग दें। वे हिंसा के मार्ग को कभी नहीं अपनाते और स्त्री और पुरुष को समान दर्जा देते हैं और वो बच्चों को भी शारीरिक रूप से कभी दंड नहीं देते। ईस्ट अफ्रीका के मासाई लोगों के अनुसार पैसा खुशी की कुंजी नहीं है, ये लोग पैसों से ज़्यादा प्रेम को महत्व देते हैं। फोर्ब्स 400 के अनुसार इन लोगों का जीवन दुनिया के सबसे अमीर लोगों की जीवन संतुष्टि के बराबर है। यनोमामी लोग स्वयं के शिकार को कभी नहीं खाते, वे इसे घर पे लाने से पहले ही दूसरों को दे देते हैं। बदले में वो वही खाते हैं जो दूसरे शिकारियों ने उन्हें दिया है। हर कोई सामुदायिक भावना और सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए दूसरों द्वारा प्रदान की गई चीज को ही खाते। तंजानिया के हज़दा लोग समानता को बहुत महत्व देते हैं और इसीलिए उनका कोई आधिकारिक नेता नहीं होता। आपके पास जो कुछ भी हो वो किसी को बिना वापसी की उम्मीद किए दे देना, ये उनका एक नैतिक दायित्व है। और उनका ऐसा मानना है कि यदि आपके पास तत्काल उपयोग से अधिक व्यक्तिगत संपत्ति है तो आपको उसे दूसरों में बांटना चाहिए। जब इंडोनेशिया के ओरंग रिम्बा जनजाति में एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका गर्भनाल एक सेंटूबांग पेड़ के नीचे लगाया जाता है। अभी बच्चे का बाकी का जीवन का हिस्सा उस पेड़ के साथ एक पवित्र बंधन है और ओरंग रिम्बा के लिए जन्म का पेड़ काटना हत्या के बराबर है। जब वे पेड़ों की ऊंचाई से शहद काटते हैं तो सोलिगा लोग अपने लिए थोड़ा सा रख लेते हैं और थोड़ा सा टाइगर्स के लिए ज़मीन पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वे उन्हें परिवार मानते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि टाइगर्स खुद के लिए पेड़ पे चढ़ के शहद नहीं निकाल सकते। भारत के बैगा लोगों का यह कहना है कि भगवान को विश्वास है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए हर चीज़ जंगल में दी गई है और उसे खोजने के लिए बैगा ज्ञान की ज़रूरत है। इन लोगों के अनुसार भूमि की जुताई करना इज़ लाइक स्क्रैचिंग द ब्रेस्ट ऑफ मदर अर्थ। केवल वे लोग जिन्हें यह बैगा ज्ञान नहीं दिया है उन्हें जीवित रहने के लिए खेती करनी चाहिए। कई मूल अमेरिकी समाजों ने तीनों लिंगों को मान्यता दी है। उनके अनुसार तीसरा लिंग यानी कि टू स्पिरिट्स के रूप में देखा गया है और दोनों स्त्री और पुरुष को समान दृष्टिकोण से देखा गया है। शिकार इकट्ठा करने वाले ट्राइब्स हम जितना काम करते हैं उससे कई कम समय काम करते हैं। वेनेजुएला और कोलंबिया के कुइवा लोग हफ्ते में 15 से 20 घंटा काम करते हैं और ज़्यादातर समय वो अपने झूलाघर में बिताते हैं। ये घर भी वो बहुत बड़े बनाते हैं ताकि पति पत्नी और बच्चे सभी एक साथ मिलकर रह सके। पापुआ न्यू गिनी के चामरी लोगों में पारंपरिक रूप से महिलाएं रोटी कमाने वाली थी। उन्होंने मछली पकड़ने का काम किया और अतिरिक्त मछलियों को अन्य जनजातियों के साथ आसपास के पहाड़ियों में व्यापार करने के लिए ले गए। चामरी जीवन में किसी भी लिंग को प्रमुख नहीं माना जाता। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई ड्रॉम अप न्यू वीडियोज एवरी वेंसडे एंड सैटरडे। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज विच इज टॉप 10 EXO व्हेन आई पोस्ट द टॉप 10 कंटेंट डेली। टिल वी मीट ऑन नेक्स्ट वेंसडे।